साल 2017 में जब यूपी की सत्ता में मुख्यमंत्री बनकर आए तो जैसे एकदम से छा गए योगी आदित्यनाथ। एनकाउंटर्स का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि आज तक थमा नहीं है। फिर बुलडोजर कार्रवाई की भी रफ्तार आज दिन तक थम नहीं पाई है। सीएम योगी ने साल 2017 के बाद साल 2022 में भी अपना दमखम ऐसा दिखाया है कि आज न सिर्फ प्रदेश के लोग बल्कि देश भर के लोग योगी को माफिया राज खत्म करने वाला बताते हैं। सीएम योगी के काम करने के तरीके को सही ठहराते हैं। हाँ, विपक्षी जरूर योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ का काम करने का जो अंदाज है वो कुछ ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ को कौन क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर उन्हें इन सब बातों से फर्क पड़ता होता तो देश भर में अपराध मुक्त प्रदेश बनाने वाले के नाम के आगे योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं आता। माफिया राज खत्म करने के योगी आदित्यनाथ के तरीके को काफी हद तक लोग सही ठहराते हैं। हालांकि आलोचना करने वालों की भी कमी नहीं है। गुरुवार का दिन भी सीएम योगी की तारीफ और आलोचनाओं से भरा हुआ रहा, जब माफिया अतीक अहमद के बेटे और 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में शूटर गुलाम को योगी की पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। कहां अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाए जाते वक्त अपनी जान जाने का डर सता रहा था, और कहां उसके बेटे को ही पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब और कहे और सुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ के किस्से। इतना ही नहीं, अब तो कहा यह भी जा रहा है कि योगी राज में जिस तरह से यूपी बदल रहा है उसका असर नगर निकाय चुनाव किया 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और वैसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ कह ही चुके हैं कि हम 2024 में उत्तर प्रदेश में 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मतलब माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साल 2024 में अगर देश की सत्ता पर फिर एक बार विराजमान होते हैं तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं योगी और योगी के यूपी को भी जाएगा ही। पिछले आंकड़े देखें तो वाकई भारत में एनडीए की जीत में यूपी का बड़ा योगदान रहा है। बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन को 2014 और 2019 चुनाव में यूपी की कितनी सीटें, 2014 बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया, 2019 बीजेपी ने 80 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की थी, और अब बारी है साल 2024 की, जिससे पहले साल 2022 में विधानसभा चुनाव जीते योगी ने माहौल कुछ अलग ही कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस चुनाव में योगी की मौजूदा छवि का फायदा बीजेपी नीत गठबंधन को 2024 में भी मिलने वाला है। योगी के काम ही ऐसे हैं कि हर कोई उनका जिक्र करता है, और अब तो गुरुवार को प्रदेश में कुछ ऐसा हो गया है कि अब योगी की बात और ज्यादा हो रही है। तभी तो कहा जा रहा है जब योगी की चर्चा शुरू हो गई है तो 2024 आते आते और ज्यादा कहे और सुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ। नहीं तो सोचिए ना, अभी कल तक उमेश पाल हत्याकांड केस में योगी की पुलिस पर हाथ धरे बैठने का आरोप लगाकर विपक्ष खूब मजे ले रहा था, लेकिन अब जब उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है तो विपक्ष को ये न्याय नहीं बल्कि हत्या नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट देखिए, लिखती है, प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे और एक अन्य की पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्भ हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की भी उनकी आशंका सच साबित हुई है, अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। इसी तरह से मायावती के अलावा अखिलेश भी कुछ ऐसे ही बौखलाए नजर आए हैं, जैसे मान रहे हो कि अब योगी के भौकाल को कोई कम नहीं कर पाएगा। वैसे इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आपको क्या लगता है, पिछले कुछ साल में जिस तरह की छवि योगी की बनी है, जिस तरह का काम योगी ने किया है उससे योगी की चर्चा तो निश्चित तौर पर बढ़ी है कि आज न सिर्फ प्रदेश के लोग बल्कि देश भर के लोग योगी को माफिया राज खत्म करने वाला बताते हैं। लेकिन क्या इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, योगी के काम करने के अंदाज का फायदा बीजेपी को मिलेगा, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।